अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम पिंडी प्रॉपर्टी टाइम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जहां के पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। तो यहां पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डीलर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, तो आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मुविदा के स्टॉल पर मौजूद हैं, तो आइए जी एम मुविदा से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? सैयद वजाद हैदर। वजाद साहब, ये बताएँ कि मुविदा बेसिकली क्या है? सर मुविदा जो है हमारा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और हम मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारा जो टाउन प्लानर है बहुत अच्छा है, माइन आर्ट इसका टाउन प्लानर है और डेवलपर हमारा बनु मुख्तार है। जो तो मुविदा की जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन रही है, ये कहाँ पे बन रही है और इसका क्या कितनी एकड़ ज़मीन पे ये बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैंड है वो 12,236 कनाल पर मुश्तमिल है, और इसकी जो बैक है वो चक्की रोड पर और फ्रंट इसका मोटरवे पर है, और मोटरवे पे 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाक़ है। तो इसमें आम लोगों के लिए, आम जो आवाम है उनके लिए कितना एक आपने डिस्काउंट रखा हुआ है? जी इकोनॉमिकली है ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलमेंट पे, इजी इंस्टॉलमेंट पे ये मौजूद है, हर बंदे की अप्रोच में है, बिल्कुल ये लिया जा सकता है। तो आज का जो ये एक्सपो है यहाँ पर आपका मुविदा का स्टॉल लगाने की कोई ख़ास वजह? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद बरलात साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़ किया ये, और अल्हम्दुलिल्लाह आज और कल तीनों दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा फुटफॉल था, बहुत अच्छी पब्लिक थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सक्सेसफुल गया इवेंट। और इंटरनेशनल ऐसे इवेंट से ही अल्हम्दुलिल्लाह टाइज होते हैं, आपकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में देखी जाती है। जी तो मुविदा को यहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? सर बहुत अच्छा फुटफॉल था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा ये। तो इस इवेंट के बाद आप क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट होने चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे इवेंट बिल्कुल होने चाहिए और डे बाय डे होने चाहिए, हर मंथ 2 मंथ्स के बाद एक आध इवेंट ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन नसीबुल्लाह चिश्ती साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नसीबुल्लाह साहब, ये बताएँ कि लैंड पाकिस्तान बेसिकली है क्या जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी लैंड पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक 20 साल पौधा है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में माशाल्लाह जवान हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने अरूज की जानब आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। ये वो पौधा है कि जिसको हमने 2001 में लगाया था, और रियल एस्टेट सेक्टर में हमने बेपनाह कामयाबियां हासिल की। अब माशाल्लाह हम अपना एक इस्तंबुल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट अनकरीब मार्च में लॉन्च करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मार्च में ही इस्तंबुल फार्म हाउस लॉन्च करने जा रहे हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से हम तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक बाहमी आप यूँ कह लें कि पुल का किरदार भी अदा कर रहे हैं, हम तुर्किश सिटीजनशिप का भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा हम यूके से पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ला रहे हैं, और यूँ हमारा ग्रुप पाकिस्तान की खिदमत करने में शाना बशाना काम कर रहा है। नसीब साहब, ये बताइए जो तुर्की के साथ आप कर रहे हैं इस्तंबुल सिटी के नाम से, तो ये प्रोजेक्ट है किस जगह पे, पाकिस्तान में कौन से इलाके में? ये जी रावलपिंडी से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर चक्री रोड है, चक्री रोड के ऊपर जहाँ पे रिंग रोड आ रहा है, हमारी ये लैंड रिंग रोड के पास आती है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लैंड है, और हम इसका इंशाल्लाह ताला आरडीए में एनओसी डाल के उसकी अप्रूवल ले के तो फिर मार्च में लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले हम इसको इंशाल्लाह ताला लॉन्च नहीं करेंगे। आपका एक ये बैनर लगा हुआ है तुर्किश सिटीजनशिप, तो इसका क्या मकसद है? ये तुर्किश सिटीजनशिप चूँकि बहुत से दोस्त हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है तुर्की उसको पसंद करते हैं, तो उस वजह से हम वहाँ की जो तुर्किश सिटीजनशिप है उसमें बेहद काम कर रहे हैं, हमारा एक ऑफिस तुर्की में भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मतलब हम दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ के जितने इन्वेस्टर हैं उनको पाकिस्तान की दावत देते हैं, उनको पाकिस्तान लेके आते हैं, यहाँ से जो लोग सिटीजनशिप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं हम उनको प्रॉपर्टी वहाँ पे लेके देते हैं। नसीब साहब, ये बताएं कि आज का जो ये एक्सपो हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें आपका लैंड पाकिस्तान को क्या रिस्पॉन्स मिला है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पुराने दोस्तों से बहुत मुलाकातें हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन नए बने हैं हमारे मार्केट में, जो कंपनियां यहाँ पे थीं उन कंपनियों का हमसे आपस में बड़ा अच्छा रबता हुआ, रिलेशन बना, मज़ीद जो लोगों ने विज़िट किया पूरे पाकिस्तान से उन कंपनियों के साथ हमारे नंबर ट्रांसफ़र हुए, उनसे रबते हुए, तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की मैं कहता हूँ दुनिया में जो एक्सपो होता है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर माह एक्सपो होने चाहिए, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ख़ास तौर पर इस पर नज़र सानी फरमाए, और ऐसे एक्सपो जो हैं
उनको प्रमोट किया जाए और उनकी पुष्पनाई की जाए ताकि बैरून मुल्क से हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पिंडी न्यूज़ का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ JSFR एम्पोरियम के GM सेल्स मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? ज़फ़र अब्बास। ज़फ़र साहब, ये बताएं कि ये JSFR एम्पोरियम है क्या? बेसिकली JSFR एम्पोरियम एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है JSFR ग्रुप का। JSFR एम्पोरियम जो है वो B17 मल्टी गार्डन्स में जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 46 कनाल के ऊपर मुहित ये प्रोजेक्ट है। 30-स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर कमर्शियल शॉप्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्लब, हेल्थ क्लब और बेशुमार फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। JSFR एम्पोरियम की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो JSFR एम्पोरियम की कंस्ट्रक्शन हमने पिछले साल मार्च अप्रैल में शुरू की और अब तक हम तकरीबन उसकी 13 फ्लोर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और हमने उसकी फिनिशिंग का काम भी जो है वो स्टार्ट कर दिया। 3 बेसमेंट्स हैं इसकी और JSFR एम्पोरियम इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जैसे कि हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, हम दुबई जाते हैं तो वहाँ पे मशहूर है बुर्ज खलीफा या मलेशिया में ट्विन टावर्स या इस तरह से मुल्कों की पहचान बन जाती हैं कुछ बिल्डिंग्स, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह JSFR एम्पोरियम जो है वो पाकिस्तान की पहचान बनेगी और एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनने जा रही है। इसका डिलीवरी टाइम जून 2024 है और हमारा JSFR ग्रुप का ये स्लोगन है कि हम सिर्फ बनाते नहीं हैं, हम आबाद भी करते हैं। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ JSFR एम्पोरियम जो है वो वक्त से पहले कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होगी और उसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो हैं वो अपना बिजनेस जो है वो करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स को एंड यूज़र्स को बेबहा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़। सर ये बताएं कि आज का जो ये एक्सपो हो रहा है इसमें JSFR एम्पोरियम को कितना एक रिस्पॉन्स मिला है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि एक्सपो जो है वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बरलास साहब की बहुत ही मेहनत है इस एक्सपो के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका इफ्तिताह जनाब आज़म सवाती साहब ने किया जुम्मे को और जुम्मे के दिन से जुम्मे को हफ्ते को फ्राइडे सैटरडे संडे आज का भी आप देखें कि इस टाइम तकरीबन 7 बज रहे हैं और कोई ऐसा स्टॉल नहीं है जिसके पास जो है वो क्लाइंट्स मौजूद ना हों। बहुत अच्छी मार्केटिंग की इन्होंने, बहुत अच्छा पुश दिया और रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए इस किस्म के एक्सपोज बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोग आकर के बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें, फ़ेस टू फेस बात करें, ट्रस्ट डेवलप हो और फिर वो चीज़ जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक दूसरे से शेयर करें और रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है ना बेसिकली ट्रस्ट के ऊपर कायम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो जो है वो एक कामयाब एक्सपो है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ JSFR ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपो इनाकाद किया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी वो इस किस्म के एक्सपोज जो है वो इनाकाद करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह डेफिनेटली इस किस्म के एक्सपोज का जो है वो हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कैपिटल आइकन के स्टॉल पे मौजूद हूँ, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं सर। आपका गुड नेम? असाम राजा। असाम राजा साहब, आप कैपिटल आइकन में ऐसे क्या हैं? डायरेक्टर मार्केटिंग सर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कैपिटल आइकन है क्या? सर, कैपिटल आइकन एक प्योरली एक रिहायशी मंसूबा है जहाँ पे आप कमर्शियल मॉल के साथ साथ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं और ये इस्लामाबाद का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि वर्टिकल हाउसिंग स्कीम के साथ अप्रूवल मिला है इसको। अच्छा, तो ये इस्लामाबाद में किस जगह पे मौजूद है? सर, इस्लामाबाद के बेसिकली जोनिंग सिस्टम थे, जोन 1 से लेकर 6 तक जाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो वेरी कर रहा है वो जोन 5 में कर रहा है और मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और गुलबर्ग के जो ही आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको हमारी साइट मिलती है। बड़ी ही इजी एक्सेस है, मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है और कॉरिडोर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो कि आप कंस्ट्रक्शन हो रही है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की वजह से और उसी जगह पे हमारा ये प्रोजेक्ट और इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो सारा एक यू शेप हब बन रहा है जो कि ये वाहिद एक पट्टी है जो कि F8 से लेकर T चौक तक जो कि इतनी नियरेस्ट वे हो सकती थी कि मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के और वी आर द फर्स्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि वी गॉट द NOC फॉर द वर्टिकल हाउसिंग स्कीम। अभी तक इस्लामाबाद में किसी के पास भी CDA से वर्टिकली हाउसिंग स्कीम का NOC नहीं है। असाम साहब, ये बताएं कि अक्सर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये आम आवाम की पहुंच से दूर होते हैं क्योंकि बहुत महंगे होते हैं जी, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कि इसका क्या है? सर, प्रोजेक्ट ज़रूर महंगे होते हैं लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे ना 5 मरले का कोई अगर घर भी बनाना चाहता है उस विसिनिटी में तो वहाँ पे प्लॉट ही उसको 80-85 लाख रुपये में पड़ता है। 80-85 लाख रुपये में फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालें, फिर सिक्योरिटी नहीं होती, उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं कर सकते घर की, तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपये में आपको 5 मरले का घर वहाँ पर पड़ता है।
तो आप 2.5 करोड़ रुपये में ऐसी चीज़ क्यों ना लें जो कि आप एक हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट मिलें और वो भी CDA से मिलें, जिसमें आपको सिक्योरिटी भी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट गारंटी भी हो, आपकी रेजिडेंशियल गारंटीज़ भी हो। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने ये एक फ़ैसला लिया कि कोई भी डिवेलपर इस वक्त नहीं चाहता कि उसका लैंड डायरेक्टली CDA के पास जाए। आप मुझे बताएं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके घर का जो रजिस्ट्री होती है वो किसी अथॉरिटी के पास बाउंड हो और तब आपको NOC मिले? आप चाहेंगे ऐसा? नहीं चाहेंगे। हम लोगों ने एक ये इनिशिएट लिया है, गवर्नमेंट का साथ दिया है, रेगुलेटरीज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी लेके आए। हमने अपना सारा लैंड CDA के नाम ट्रांसफ़र कराने के बाद NOC लिया है, एंड इसमें कोई शक और शुबात नहीं है कि हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहते हैं कि हमारे पीछे पूरी इंडस्ट्री चले, हम लोगों के साथ चलें। ये पाकिस्तान हमारा है और इसको ट्रांसपेरेंट बनाना और लोगों के लिए एक अच्छी और एक काबिले स्ताइश चीज़ देना ये हमारा फ़र्ज़ है और फरीज़ा भी है। पैसे ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसों के साथ साथ एक थोड़ा सा खुदा खौफ भी रखें कि जो चीज़ दे रहे हैं तो कल को उसको नुकसान ना हो, किसी की बदवाओं से डरें। साम साहब, ये बताएं, आज का जो ये एक्सपो हो रहा है, इसमें कैपिटल आइकन को कितना रिस्पांस मिला? सर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये कहा गया था कि आप स्टार लगा लें हमारा, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे पब्लिक अपेयरेंसेस में जब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो सकते। कुदरती तौर पे लास्ट वीक ही हमारी NOC क्लियर हो चुकी हुई थी, लेकिन लैंड ट्रांसफ़र करानी पड़ती है, तो हमने लास्ट वीक ही कंप्लीट हुई है, ड्यू टू स्ट्राइक नहीं हो पा रही थी, लास्ट वीक ही हमने कराई है। तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हाँ, हम जाते हैं और एक बड़ी रिमोट से लोकेशन पे बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड वी आर वेरी मच प्रीटी हैप्पी विद दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड फ्रॉम द एंड यूज़र। अच्छी चीज़ ये लगी है कि क्लाइंट जब आ रहा था तो वो एजुकेट था, और जितना हमसे हो सकता था हमने उनको भी किया, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक्सपो जो करवा रहे हैं उनका, पूरी मैनेजमेंट को बहुत मुबारकबाद होनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सजाया, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सिर्फ डेवलपर्स के लिए या बिल्डर्स के लिए नहीं, उन्होंने एक अच्छे प्रोजेक्ट्स को लोगों की पहुँच तक पहुँचाने में उनका किरदार काबिल सराहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हम स्काई मार्केटिंग के स्टॉल पे मौजूद है, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? मेरा जो है फारूक। आपका डिजिग्नेशन? आई एम द ब्रांच मैनेजर ऑफ स्काई मार्केटिंग इन ब्लू एरिया। बेसिकली हेड ऑफिस को मैं जो है मैनेजमेंट उसकी मैनेजमेंट देख रहा हूँ। सर, ये स्काई मार्केटिंग बेसिक है क्या? सर, स्काई मार्केटिंग बेसिकली एक रियल इस्टेट फर्म है जो कि बेसिकली माशाल्लाह पाकिस्तान में 15 to 20 ईयर से काम कर रही है, और लाइक पाकिस्तान की जो लाइक कह लें कि रियल इस्टेट कंपनीज़ में स्काई मार्केटिंग एक टाइकॉन के नाम से जानी जाती है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कह सकते हैं कि आज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का जो एक्सपो हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो इस वक्त आपकी स्काई मार्केटिंग है, बिकॉज लाइक हम माशाल्लाह टॉप 3 में भी आते हैं, और इसके अलावा लाइक कह सकते हैं कि हमारे इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं, और इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, तो आज का जो एक्सपो हो रहा है, इसमें स्काई मार्केटिंग को इस एक्सपो के हवाले से क्या रिस्पांस मिला है? सर, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। बेसिकली हमारा ये एक्सपो जो है, ये लाइक ईयर की बेसिस पे देखा जाए ना, तो बहुत लाइक 5 to 6 times होते हैं, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह हमेशा की तरह जो है इस एक्सपो में भी हमारा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि लाइक आपको पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, और इवन के डीलर्स वगैरह हजरात भी आते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मतलब हर तरह की कंपनीज यहाँ पे मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि एक्सपो में आते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लाइक कलेक्ट करनी होती है, तो एट अ टाइम वो मतलब लाइक अगर हमसे लेते हैं या किसी और से लेते हैं, तो एट अ टाइम उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स वाई एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका, और हमारे साथ जो है इस वक्त बहुत अच्छा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स है। 3 दिन हम यहाँ पे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका। सर, स्काई मार्केटिंग इस वक्त किस मेन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? सर, मेन प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम खुद मेन हैं, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कि नंबर 1 सेल्स पार्टनर हैं हम, ठीक है। इसमें हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर है, पार्कवी सिटी है, ताज रेजिडेंशिया है, एज़ वेल एज़ आप अगर बात करते हैं तो हमारे पास ब्लू वर्ल्ड, नोवा, रीडन, इसके बाद लाहौर में हम पार्कवी सिटी लाहौर को देख रहे हैं, ब्लू टाउन सफायर को देख रहे हैं, इसके बाद हम ब्लू बैरिया हिल्स को देख रहे हैं, और ये लाइक कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन का, और द मॉल ऑफ इस्लामाबाद में भी हमारा लाइक कह सकते हैं ऑफिसेज हैं, लाइक हमने वो परचेजिंग की, और अभी हमारे अपने जाती जो है स्काई मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि 18 to 19 प्रोजेक्ट हम इस वक्त कर रहे हैं स्काई मार्केटिंग जो है ना, वो इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्काई मार्केटिंग जिस लाइक कह सकते हैं कि सोसाइटी में इंटर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर 1 बन जाती है, उसका स्कोप बढ़ जाता है, और ये बड़ा अच्छा ये है कि नाम है स्काई मार्केटिंग का इस मार्केट में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जाकला जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसल टाउन के स्टॉल पे मौजूद हूँ, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? इमरान मिन्हास। सर, आपका फैसल टाउन में डिजिग्नेशन वगैरह? नहीं, मैं एक उनका रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ,
मैं काफ़ी अरसे से फैसल टाउन का काम कर रहा हूँ और ये डिजिग्नेशन है। ये फैसल टाउन या फैसल हिल्स ये है क्या और कहाँ पे है? देखें, ये इस्लामाबाद फैसल टाउन आप समझ लें फ्यूचर का जीरो पॉइंट है। ये मोटरवे के जंक्शन में है, चाहे पेशावर मोटरवे या लाहौर मोटरवे के, ये बिल्कुल उसमें। इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक आप फतेह जंग रोड से भी बड़ी इजी अप्रोच है मोटरवे से भी, और इन फ्यूचर इसकी कश्मीर हाईवे से भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक इंटरचेंज बनने जा रहा है। तो ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए, पिंडी के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, और स्पेशली सी पैक के ये कमर्शियल हब में ये वाक़िया है, ये ज़ीरो पॉइंट है ये। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताएं कि जैसे मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये आम आवाम की पहुंच से दूर होते हैं क्योंकि कास्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जी जी, तो फैसल टाउन में ऐसा क्या है कि जहाँ पे आम आवाम इजी अप्रोच करते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखे जाएँ फैसिलिटीज़ और इसकी जो खूबियाँ बयान की जाएँ वो घंटों लग जाएँ, इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। इसके जो ओनर हैं चौधरी मजीद साहब, चौधरी मजीद साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, एक उनका ड्रीम था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, इसमें चौधरी साहब ने जो प्रोजेक्ट ओनर हैं उन्होंने स्पेशली जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सबसे पहले मस्जिद, स्कूल, प्ले ग्राउंड्स, वहाँ की लोकल कम्यूनिटीज़ के लिए उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। तो फैसल टाउन में एक तो प्राइजेस जो इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं उनसे बहुत कम उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी, मतलब ऐसे ब्रांड्स जिस तरह नोवा स्कूल वहाँ पे आ गया, फिर मस्जिद इंतहाई खूबसूरत मस्जिदें हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स है, क्रिकेट स्टेडियम जो आपका नेशनल स्टेडियम का बना हुआ है, तो फैसिलिटीज़। फिर सबसे बड़ी बात, पानी के ऊपर तैर है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से, मोटरवे के करीब होने की वजह से, और जो आबादी के अंदर घिरा हुआ है, तो एक लिविंग स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया है। तो प्राइस वाइज, लोकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त फैसल टाउन प्रोजेक्ट है। सर, आज ये जो एक्सपो हो रहा है यहाँ पे, इसमें फैसल टाउन को क्या रिस्पॉन्स मिला है आवाम की तरफ? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हैं बड़ी अच्छी एंट्रेंस पर, और जो बहुत अच्छा क्राउड था, ये कोविड के बाद एक्सपो पहली दफ़ा हुई है, एक दो एक्सपो हुई हैं वो कोविड के अंदर हुई हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोविड के बाद जो एक्सपो है इसमें इतना ज़्यादा क्राउड हुआ है, और मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स और फैसल टाउन की, दूर से हमारी स्टीमर्स देख के, हमारी वो देख के, तो लोग सबसे ज़्यादा फैसल टाउन के ऊपर, यार हमारे ऊपर अभी भी आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था, हम मतलब 20 लोगों की टीम थी, लेकिन हम उस क्राउड को बड़ा मुश्किल से वो ब्रीफ कर पा रहे थे। तो फैसल टाउन एक ब्रांड बन चुका है, चौधरी मजीद साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।